हाय एवरीवन, सो आज का प्रॉब्लम है स्टूडेंट रिलेटिव मोशन से रिलेटेड। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। हमें ए और बी के बीच का मिनिमम सेपरेशन फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, वी वन एंड वी टू जो है वो है स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम अपने फ्रेम को बी पे फिक्स कर दें तो हमें ए का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में दिखे, हमें ए कहाँ जाता हुआ दिखे, इस डायरेक्शन में या कहीं और। तो अगर हम बी से, अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो ये जो स्पीड का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर हम बी से देखें तो ए कहाँ जाता हुआ दिखेगा, तो ए जाता हुआ हमें दिखेगा वी ए बी के डायरेक्शन में। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर हम B से A को देखें तो कहाँ जाता हुआ दिखेगा, सो अलॉन्ग दिस वेक्टर डायरेक्शन, सो दिस इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वी ए प्लस माइनस वी बी। तो बेसिकली हमें वी बी को रिवर्ट करना है और ऐड करना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वही रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो v2 को हमें रिवर्ट करना है तो ये हो गया माइनस v2, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है जो कि होगा इस डायरेक्शन में। लेट रिजल्टेंट v2 के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा। तो इन दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, तो जो लाइन परपेंडिकुलर होगा, आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर मैं कोई सा भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वो इस लाइन से बड़ा ही होगा, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो सबसे छोटा होता है। तो दिस इज द मिनिमम सेपरेशन जो हमें फाइंड करना है, मिनिमम सेपरेशन। तो इसको हम लेट कर लेते हैं एम पॉइंट। सो हमारा आंसर है बी एम, हमें बी एम कैलकुलेट करना है, बी एम। सो बी एम, सो ये जो इनिशियल डिस्टेंस था ए और बी के बीच का वो कितना है डी, तो इसको हम कॉम्पोनेंट डिजॉल्व कर सकते हैं, डी डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, तो दिस इज डी साइन थीटा, और ये दोनों इक्वल वेक्टर है, इक्वल होंगे तो दिस इज डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो हमें फाइंड करना है डी साइन थीटा, ये है हमारा आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। तो साइन थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा रिजल्टेंट वी ए और माइनस वी बी का V2 के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू b sin phi ओवर a प्लस b cos phi। तो इस फिगर में अगर phi इज द एंगल बिटवीन a एंड b, तो इस फिगर में जो phi है वो कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा b अपॉन B is V1 and A is V2. Therefore, sin theta is tan theta V1 upon V2. So this is perpendicular over base. Hypotenuse is under root V1 square plus V2 square. So sin theta ka expression kya hoga student? Perpendicular over hypotenuse. Perpendicular is V1 upon hypotenuse is V1 square plus V2 square. This is D into V1 upon under root v1 square plus v2 square. This is the required answer. This is the required answer. I hope आप सभी को समझ में आया होगा. Thanks for watching.